नमस्कार दोस्तों, मैं शेखर रजक डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स भोपाल से। आज मैं आपके लिए ए 56 का बोर्ड लगा रहा हूँ। ये मेरे पास LG का मॉनिटर आया है, उसमें ये लगा करके बताता हूँ। ये सबसे पहले तो देखिएगा, इसमें ये एरो का निशान देखना है और LVDS की केबल लगाना है। ये चेक करके लगा दी, तैयार करके देख लिया है मैंने, इसके कनेक्शन क्लियर हैं। इसके आगे का काम करते हैं। देखिए ये लगा दिया है। मैं पहले भी कई बार आपको बता चुका हूँ कि LVDS के कनेक्शन ही बता चुका हूँ, बैकलाइट के कनेक्शन भी आपको बता चुका हूँ। ये सब इस प्रकार से ही कंप्लीट कर लिया। अब देखिए मैं इसको चालू करता हूँ। ये मैंने इसके प्लग लगाया, ये चालू किया मैंने, ये इसको ये चालू हो गया। अब इसमें आ रही है, ये आ गया। इसमें देखिए रोलिंग हो रही है, ये वर्टिकली रोलिंग हो रही है, ऊपर से नीचे ही भाग रहा है। ऐसे कैसे हो रहा है ये, मगर ये मेनू क्लियर दिख रहा है इसका, ये तो आ रहा है। देखिए इस तरीके से फॉल्ट बन रहा है, तो इसको ये कैसे ठीक हुआ ये आपको बता देता हूँ। आइए देखते हैं। कभी ये कब फॉल्ट होता है, ये तभी फॉल्ट होता है जब नया बोर्ड लगा रहे हो अपन, किसी में PCB नई PCB लगा रहे हो, जब नया मदरबोर्ड लगाएं तो इस तरीके से फॉल्ट बनता है। तो इस तरीके का फॉल्ट कैसे बनता है, सबसे पहले तो ये देखना। मैंने आपसे हमेशा बोला है कि कभी भी आप इसको लगा रहे हैं, बोर्ड को लगा रहे हैं, तो सबसे पहले ध्यान क्या रखने का है। सबसे पहले तो आपको सप्लाई ध्यान रखना है, पैनल पर सप्लाई जो है वो कितनी जाना है, इस पैनल के लिए कितना काम करना है, कितनी सप्लाई देना है, ये सबसे मेन इम्पॉर्टेंट चीज़ है। नहीं तो यदि ज़्यादा सप्लाई पहुंच जाएगी तो पैनल ख़राब हो जाएगा। तो ये हमेशा अधिकांशतः जो है कम वोल्टेज पे ही लग के आया है, अभी भी वैसे ही हुए। मैंने अभी इसकी कोई जम्पर चेंज नहीं की है, कुछ भी चेंज नहीं किया है। अभी देखिए ये जो पैनल है आपका 5 वोल्ट पे काम करता है, और यहाँ पे ये देखिएगा ये जो है अभी जम्पर जो है 3.3 वोल्ट पर लगा हुआ है। अब ये 3.3 वोल्टेज पे लगा हुआ है, इसलिए पैनल को सप्लाई क्लियर नहीं मिल रही, इसलिए वो सही काम नहीं कर रहा है, इसलिए वर्टिकल रोलिंग हो रही। कभी ऐसा होता है तो ये गौर करने वाली बात है, आपको ध्यान रखना है कि ऐसा तो नहीं आपका जम्पर गलत लगा हो, तो इस जम्पर को आपको ठीक करना है। ये अभी 5 वोल्ट पे पैनल काम करता है, इसलिए मैं 5 वोल्ट पे सप्लाई देता हूँ। देखिए मैंने 5 वोल्ट पे कर दिया, ये लिखा हुआ है देखिए, और ये 12 वोल्ट का है, ये 5 वोल्ट का, फिर 12 वोल्ट का उसके बाद, ठीक है। तब मैंने 12 वोल्ट पर 5 वोल्ट पर लगा दिया। अब इसको फिर लगा के देखते हैं। अभी जो फॉल्ट बन रहा था, अब वो फॉल्ट नहीं आना चाहिए। देखिए आपको बताते हैं, देखिए ये आ गया, इसको मैंने पुश किया, ये देखिए स्क्रीन पर क्या हो रहा है कंडीशन, ये आ गया, ये देखिए क्लियर आ गया, ये क्लियर बन के आ रहा है, क्लियर चल रहा है, ठीक है। इस तरीके से ये फॉल्ट बनता है, यानी वर्टिकली रोलिंग हो रही हो, तो ये आप समझ जाइए कि फॉल्ट क्या है, इसमें किस तरीके से ठीक करना है। अभी इसमें एक फॉल्ट और आ रहा है आपके, इसमें दिख रहा है देखिए, ये पिक्चर जो आ रही है इसमें ब्लिंकिंग टाइप की हो रही है, ये क्यों हो रहा है, इसका भी आपको विशेष ध्यान रखना है कि ऐसे कैसे हो रहा है, ये ब्लिंकिंग क्यों आ रही है, ये कैसे हो रहा है, ये आपको पता करना है। इसके लिए देखिए मैंने फिर बंद करके चालू किया, अभी ये आ गया, देखिए अभी भी हो रहा है, ब्लिंकिंग हो रही है बार बार। अब इसको ठीक करते हैं। इसके लिए क्या करेंगे, ये बैक लाइट देखिए, पहले तो इसकी सप्लाई को ओपन करेंगे, उसके बाद ये बैक लाइट की जो कनेक्शन जो है आपको ये ध्यान रखना है। देखिए इसका ये वायर जो निकाल के निगेटिव वाला है निगेटिव पे लगाएंगे, और पॉजिटिव वाला पॉजिटिव पे कैपेसिटर के पास लगाएंगे। देखिए ये जो है ये मैंने लगा दिया यहाँ पर कैपेसिटर पर, अब दूसरा वाला प्लस पे लगा देंगे। अब वो जो स्विचिंग टाइप का अभी हो रहा था, अब वो ख़त्म हो जाएगा। ये लगा के मैंने ये वापस ये पिन लगा दी मैंने, ये इसकी पिन ढीली है, इसमें बार बार बंद हो जाता है, ये मैंने लगा दिया अभी।
अब इसको चालू करके देखते हैं। अब देखिए, अब देखिए कोई ब्लेंडिंग टाइप का कुछ भी नहीं हो रहा, क्लियर पिक्चर आ गया है इसका। तो ये किस तरीके से आया ये आपको मालूम चल गया कि यदि बैक लाइट लगा रहे हो तो ये भी ध्यान रखना है किस तरीके से लगाना है, क्लियर आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ये ध्यान रखने योग्य बातें हैं, ये आपको मालूम हुआ। देखिए ये बाकी इसकी ये की काम नहीं कर रही है इसकी, तो रिमोट से आप चेक कर लेते हैं इसका। आइए अब हम रिमोट से चेक करते हैं। देखिए ये मेनू दबाया, मेनू आ गया इसमें, ठीक है, ये काम करने लगा। अब इस पर देखिए USB लगाई मैंने, अब इसको लगा के दिखाता हूँ आपको। ये किया ओके, ये आ गया, ये लोड हो रहा है इसमें, ये लोड हो गया। अब मूवी पे आके लगाते देखते हैं, ये आ गया नीचे, ये लगा हाउसफुल, ये लोड हो रही है, ये शुरू हो गया। तो इस तरीके से ये कंप्लीट हो गया। पार्ट आपकी समझ में आ गया, पार्ट किस तरीके से बनता है। यदि पिक्चर ब्लिंक हो रही है, बार बार ब्लिंक होती रहती है, तो ये फॉल्ट जो है मैंने आपको बताया, कभी भी ये लगाना है आपको LED कन्वर्टर, तो ये कैपेसिटर पे लगाना है आपको, ठीक है, इस तरीके से आपको लगाना है, ये क्लियर आ जाएगा। यदि यहाँ लगाते तो इससे क्या होता है, इससे करंट कम मिलता है इसको, और करंट कम मिलने से क्या होता है, ब्लिंक टाइप की होती रहती है। तो एक फॉल्ट ये हो गया। दूसरा फॉल्ट वर्टिकल रोलिंग हो रही थी, मैंने आपको बताया वर्टिकल रोलिंग क्यों हो रहा था, क्योंकि 3.3 वोल्ट पर ये पैनल काम कर रहा था, जबकि ये पैनल जो है ये 5 वोल्ट पर काम करने वाला है। फिर मैंने जम्पर निकाल के 5 वोल्ट पर किया तो पीछे क्लियर आ गया। इस तरीके से ये आपका फॉल्ट क्लियर हो गया। तो आपको मेरा वीडियो पसंद आया, आशा है आपको मेरा वीडियो पसंद आएगा। यदि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। Hold me close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us. And love